वो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से चालू करते हैं रैंप से। ये जो आप ग्रेनाइट देख रहे हैं, वाइट कलर का जो देख रहे हैं, पी वाइट ग्रेनाइट है देखिए, और ब्लैक देखिए, आर ब्लैक ग्रेनाइट है। और आर ब्लैक ग्रेनाइट की प्राइस 80 रुपये पर स्क्वायर फीट की है, और पी वाइट जो आप ग्रेनाइट देख रहे हैं ये 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का ये ग्रेनाइट है। होलसेल रेट बता रहा हूँ आपको, और इसमें भी अगर आप थोड़ा थिकनेस का लेने जाएंगे तो ये आपके आइडिया के लिए प्राइस बता रहा हूँ। देखिए अब इसके फ्रंट में देखिए, कंपाउंड वाल का एलिवेशन देख लीजिए आप, पूरा कंपाउंड वाल का एलिवेशन के साथ में है। टेक्सचर का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, जो देखिए आप मेहंदी कलर देख सकते हैं, और ये आइवरी कलर, और इसका रेलिंग भी देखिए आप पूरा, यहाँ से स्टील का रेलिंग लगा हुआ ग्लास का, बहुत ही शानदार डिज़ाइन कर रखी है। 28 फीट बाई 27 फीट का ये मकान है। देखिए फाटक का डिज़ाइन भी देख सकते हैं आप पूरा, ये देखिए फाटक का डिज़ाइन, और ये देखिए अगर आपके पूरा फ्लोरिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, ये फ्लोरिंग दो कलर में बनाई हुई है पूरी। और एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर आप ये ढक्कन नहीं लगाते पानी का देखिए टैंक के लिए, तो आप ऐसा इसको ग्रेनाइट में बनवा सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा ओपन करके आपको बताता हूँ आइडिया। देखिए ये देखिए, ये डिजाइन में सेम इसमें कर रखा है, वो डिजाइन बना रखी है ये डिजाइन। ये देख सकते हैं पूरा, ये इस तरह से बनाया हुआ है। आप भी अगर सेम फ्लोरिंग मैचिंग करना चाहते हैं तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं। और ये सीढ़ी देखिए पूरा, सीढ़ी में ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसको 6 mm इसको एल ग्रू कटिंग करके ये शैम्परिंग कर रखा है, और ये स्टील की रेलिंग। अब आपको मैं ये घर बता देता हूँ। देखिए देखिए इसमें इंडियन मार्बल लगा हुआ है, ये घर में इंडियन मार्बल पूरा देख सकते हैं आप। और ये देखिए वॉश मशीन, यहाँ पे पूरा इंडियन मार्बल है, ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप पूरा किचन, किचन का डिजाइन भी देख सकते हैं। और ये वॉश मशीन का भी आप डिजाइन देखिए पूरा, ये वॉश मशीन का डिजाइन। अगर आपके घर में ज़्यादा दिमक की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी फ्रेम बना सकते हैं, डोर फ्रेम देखिए, और बिल्कुल क्वालिटी वर्क कर रखा है। देखिए आप मार्बल में भी अगर जॉइंट देखेंगे तो जॉइंट आपको दिखेंगे नहीं, देखिए पूरा। और नीचे में 2 बेडरूम है, किचन है और पार्किंग है, और ये हॉल है, और एक बाथरूम है, एक बाथरूम ये साइड में यहाँ पे बाथरूम दे रखा, देखिए ये साइड में बाथरूम दे रखा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कुछ डिजाइन दिखाऊंगा। देखिए अगर कहीं पे भी विंडो आ जाए, देखिए ये अगर ये ऐसे ही ओपन रहती तो ये हमेशा ये पुट्टी चिप होती रहती पूरी, तो इसको पूरा परमानेंट काम कर दिया है देखिए। और इसमें राइजर देख सकते हैं ब्लैक का, ये देखिए लैंडिंग का डिजाइन देख सकते हैं आप पूरा, ये लैंडिंग का डिजाइन है, और ये सीढ़ियों का डिजाइन। अब अगर आपके घर में अगर पूरे में आप ग्रेनाइट की फ्लोरिंग करवाते हैं तो क्या लुक रहेगा देखिए, जैसे ही दरवाजे के सामने जाते हैं, और ये देखिए जाली वाला दरवाजा, और ये डोर का डिजाइन। अब देखिए इसमें पी वाइट की पूरी फ्लोरिंग है, और इसमें देखिए आपको जॉइंट बहुत ही कम हद तक दिखेंगे, जहाँ पे थोड़ा हल्का बेंट है वहाँ पे आप जॉइंट दिखेंगे, बाकी जॉइंट दिखेंगे नहीं। और इस कटिंग भी पूरे में बेवलिंग कर रखी है, जिसे आप शैम्पर भी बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा इनका डाइनिंग और लिविंग, और उसके बाद में एक बालकनी देखिए, ये पूरा ये बालकनी का डिजाइन है, और बालकनी में देखिए इसको 1.25 इंच डीप कर रखा ताकि पानी अंदर नहीं आए देखिए, और वास्तु के हिसाब से जहाँ पे स्लोप चाहिए वहाँ वहीं पे स्लोप है इस मकान का। और ये देखिए डोर फ्रेम भी देख सकते हैं पूरा डोर फ्रेम, ये डोर फ्रेम। अब आइए आपको अंदर में कुछ बाथरूम का डिजाइन भी दिखाता हूँ। देखिए ये बाथरूम का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, ये पूरे बाथरूम में टाइल्स लगाई हुई है। अगर आप भी बाथरूम बनवाते हैं तो टाइल्स का तो ये लुक देख सकते हैं आप बाथरूम का। और बाथरूम के साथ में यहाँ पे 2 कमरे यहाँ ऊपर है, ये देख सकते हैं, और एक कमरा ये रहा, ये मास्टर बेडरूम, अटैच में इसके टॉयलेट दे रखा देखिए, ये देखिए पूरा इंडियन टॉयलेट, बहुत ही शानदार काम देखिए, बिल्कुल कितना पट्टी लगा के। और ये देखिए इसकी भी फ्लोरिंग। अब देखिए इसमें अगर आपके एरिया में
दिमाग की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से वार्डरोब का डिजाइन बनवा सकते हैं। देखिए ये मार्बल और ग्रेनाइट दोनों मिक्स है। ये देखिए पूरा एक क्लाइडिंग में पूरा पार्टीशन जो ले रखा है ये सब मार्बल का है, और सेल्फों में सब में देखिए ये ग्रेनाइट यूज़ कर रखा है। और एक चीज़ देखिए, अगर आपको ग्रेनाइट कहीं कम पड़ जाए, देखिए अगर कोई पीस यूज़ करना तो या जॉइंट देख के भी आप ये पूरा कर सकते हैं। अब इस पर खाली फर्नीचर लगेगा बस, और कुछ काम नहीं, खाली प्लाईवुड में डोर लगेंगे। और अगर कहीं पे भी अगर विंडो में देखिए, ये चीज़ देखिए विंडो में अगर ऐसी आ जाती है तो आपका कोई भी ग्रेनाइट बचा हुआ है तो आप वहाँ पे यूज़ कीजिए, ताकि ये जैसे ये पानी रखते हैं देखिए, ठीक है, अगर पानी डुलता है तो भी आपका नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ बिल्कुल फ्लश में हो गया है। ये थोड़ा सा बाहर नहीं होना चाहिए, 5 mm अगर बाहर होता तो ये पानी सीधा नीचे गिरता है, कलर खराब नहीं होता। और आइए कुछ टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। जैसे देखिए विंडो फ्रेम और ये वेंट का फ्रेम भी देख सकते हैं पूरा। अब ये लगाने से आप पूरा काम लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो गया। अब ये क्या है, ये ऐसे टूटते हैं यहाँ पे, वैसे टूटेंगे नहीं, है पूरा कॉर्नर चिप नहीं होगा। और अब चलते हैं एक देखिए दूसरा बेडरूम और दिखा देता हूँ। ये देखिए बेडरूम, और ये इसकी बेडरूम की बालकनी वो आपने देखी थी अभी। और ये देखिए ये सेल्फे लगा रखी है, पूरी सेल्फे फ्लोरिंग डोर फ्रेम सीलिंग का डिजाइन। और देखिए एक चीज सबसे बड़ी चीज दिखाता हूँ भैया, अब ये है किचन। दोस्तों किचन का जो पार्ट्स होता है माता और बहनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सफाई का। अगर यहाँ पे देखिए ये पत्थर नहीं लगाते हैं, ये देखिए पत्थर नहीं लगाते तो ये पूरा पेंट जाते समय यहाँ हाथ लगता खराब होता, तो ये पेंट का परमानेंट सोल्यूशन है, पत्थर लगवा दीजिए। और इसमें भी डिजाइन करके लगाया हुआ, देखिए एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन कर रखा है। और यहाँ पे एक एलईडी लाइट का दे रखा है पॉइंट पूरा, ये देखिए इसके अंदर एलईडी लाइट का है, अभी एलईडी लाइट लगाई हुई नहीं है, कनेक्शन नहीं कर रखा है इसमें, अभी ये बैलेंस वाला काम है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक। और ये क्या है, अब ये साइड में भी कोई अगर गेस्ट भी आ गए तो उनके हाथ धोने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप किचन में भी बैठे हैं, किचन के अगर यहाँ खाना खा रहे हैं आप, डाइनिंग टेबल लगा रखा है तो भी आप यहाँ पे आराम से हाथ धो सकते हैं। तो ये पूरा प्लानिंग इस तरह से कर रखा है। और अब आइए किचन में, देखिए ये किचन में भी पूरी ग्रेनाइट की, ये देखिए डोर फ्रेम बनाई हुई है पूरी, देख लीजिए पूरा डोर फ्रेम ग्रेनाइट का है। तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं देखिए किचन का, ये देखिए किचन, किचन का डिजाइन इस तरह कर रखा है। देखिए पूरा पार्टीशन मार्बल के लगाए हुए हैं और ये टाइल्स लगाई हुई है देखिए, और ये सिंक का डिजाइन भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर रखी है, ये जो नल है ये पूरा सेंटर में है। बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज़ क्या सेंटर में नहीं आती है कभी भी, जब हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आगे पीछे रह जाती है। अभी ये बड़ा नल है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और एक नल ये पानी का है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डीप कर रखा है, 4 mm डीप कर रखा है ये देखिए। और शैम्परिंग देखिए इसमें पूरी एपॉक्सी ग्राउटिंग कर रखी है देखिए पूरा। अब इसमें लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर फ्यूचर में आप फर्नीचर भी लगवाते हैं। और ये जो देखिए ये पट्टी क्यों रखते हैं हम ऊपर में, ये 4 mm ऊपर रख रखी है पट्टी। अब इसका क्या, पानी कोई भी नीचे नहीं आएगा, पूरा फर्नीचर खराब नहीं होगा। और ये देखिए इसमें ये पी वाइट की ये पट्टी और एक पट्टी ये लगा रखी है। अब जब भी आप किचन का काम चल रहा है और ये फर्नीचर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्टीशन पहले ट्रॉली का आप मेजरमेंट दुकान से ले लेना। अगर आपकी ट्रॉली 24 inch की है तो ये पार्टीशन जो खड़े रहेंगे, अगर आपको रेडीमेड ट्रॉली यूज़ करना है तो पार्टीशन 1.5 inch ऐड कर देना, 25.5 हो जाएगा। अगर ट्रॉली की साइज 20 inch है तो आपका ये 21.5 पे सब पार्टीशन लगेंगे। जो भी ट्रॉली का मेजरमेंट आया उससे 1.5 inch आपको एडिशनल ये गैप चाहिए अंदर अंदर का, ताकि आपकी रेडीमेड ट्रॉली इजी से लग जाए और आप इसमें पैसे कम कर सकें, पैसे की बचत हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।